मुंगेली में लाखों रुपए की लागत से 66 पानी की टंकियां बनाई गई और जल आवर्धन योजना के तहत बनाई गई ये पानी की टंकियां पीएचयू विभाग ने बनाई थी ताकि पानी की सप्लाई बिना किसी परेशानी के होती रहे, लेकिन भारी भरकम राशि खर्च करने के बाद भी बामुश्किल 3 से 4 टंकियों से ही पानी की सप्लाई की जा रही है। और इसके अलावा स्थानीय लोगों के घरों में टेप नल का कनेक्शन भी आधा अधूरा है। ऐसे में जल आवर्धन योजना के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, तो वहीं विभाग का दावा है कि इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को हर साल मेंटेनेंस के नाम पर 15,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसे कोई राशि मेंटेनेंस के लिए नहीं दी जाती। तो सवाल आखिर ये है कि पैसा जा कहाँ रहा है। जी, कल बता रहा था कि वाल खराब हो गया है और अभी ठेकेदार के अंदर में है, पंचायत के अंदर में नहीं है, तो ठेकेदार को बोलूंगा बनाने के लिए बोलता। 70% लोग आग की शिकायत करते हैं, उपाय नहीं मिल रहा है और बीजे फाल्ट होते हैं। 15,000 रुपए का आप तो छोड़ दिए, 15 रुपए में नहीं मिला है। 67 टंकियां क्षेत्र में संचालित है, जिनमें 2-3 को छोड़कर सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। अधिकारी का किसी प्रकार से कोई लगाम नहीं है। हर साल 15,000 रुपए मेंटेनेंस के तौर पे दिया जाता है, जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, जिसके चलते ग्रामीण जो है आज भी जो पानी टंकी लगा हुआ है, लगभग 67 पानी टंकी जो लगा हुआ है, उसमें जो पानी के जो सप्लाई है वो जिस तरीके से जितना मात्रा में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और यह जो है पुराने टेंडर के सुनिए एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।